ताजमहल। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि इमोशन है। और आज दिखाऊंगा मैं आपको वो ताज जिसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तैयार हो जाओ मेरे साथ ताजमहल देखने के लिए। दोस्तों अभी ताजमहल यहाँ से 600 मीटर दूर है, तो चलते हैं आपको ताजमहल लेकर और दिखाने वाले हैं आपको आज का प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं सानू भाई के साथ आपको ताजमहल। देख लो यहाँ से एंट्री है उधर से, तो ये रही ताजमहल वाली गाड़ी, इसमें सब बैठ के जाते हैं। तो सामने रास्ता है ताजमहल का और गाड़ी ये खड़ी हुई है। भाई वो बंदा तो भाग गया क्योंकि जो है उसको पूरी सवारी चाहिए थी और हम तो चार बंदे सिर्फ। आपके पास बैग वगैरह है तो लोकल रूम यहाँ पे है, देखो पीछे लिखा हुआ ना ये लोकल रूम, तो आप भी बैग जमा कर सकते हैं। तो हम भी अपने बैग जमा करने के लिए जा रहे हैं जी। चलिए दोस्तों अपना बैग वैग जमा कराते हैं। भाई बैग वैग अपना जमा करा दिया हमने, ये टेंशन फ्री। भाई जी अगर आपके पास बैग वगैरह है ना तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वो है, आप अपना बैग लाओ बिंदास होकर यहाँ पे जमा करा दो और फिर बिंदास होकर आप पूरे ताजमहल में जहाँ भी आपको घूमना हो घूमो। तो भाई आ चुका हमारे हाथ में टिकट ताजमहल के। सामने वो रहा गेट, अभी एंटर होते हैं। टूर वूर भी आया हुआ है, देखो बच्चे वगैरह सब। भाई के कैमरे से देखना आप जबरदस्त तरीके से, साइनेमेटिक वगैरह शूट सब मिलेंगे आपको एकदम हाई लेवल पर। तो गाइज यहाँ प्रवेश द्वार, अभी चलते हैं अंदर। भाई जी बहुत तगड़ी भीड़ है, क्यों देख रहे हैं? ये रहा अपना टिकट, अभी चेक बैक कराते हैं। भाई एक चीज़ और ध्यान देने वाली आपको बता दूँ, अगर आपके पास बैग है ना तो ऐसे जाना पड़ेगा। देखो जैसे मैं जा रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, तो मेरे भाई अगर आपके पास बैग है ना तो ऐसे जाना पड़ेगा, पहले लोकल रूम में जमा करके तब यहाँ से एंटर होना है। डबल चेक इन है, देखो एक चेक इन यहाँ है और एक चेक इन वहाँ पे हो रही, तो मेरे भाई फुल सिक्योरिटी में हो रहा काम। तो आखिरकार दोस्तों चेक इन वैक इन करा के भाई अंदर आ चुके और वो भी दिखाने वाले आपको तगड़े तरीके से। सिक्योरिटी बहुत तगड़ी मेरे भाई, हल्के मल्के बना लीजिए, अगर कुछ होना चाहिए तो पहले बाहर रख दियो बैग वगैरह कुछ भी हो अगर आपके पास। अभी हमारे बंदे लोग जा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। एंट्री तो बहुत तगड़ी लग रही है भाई मुझे, शुरू से ही काफ़ी साल पहले आया था वैसे मैं। हमारे सामने जो है गेट दिख चुका है, ये रहा भाई आप भी देखो हमारे कैमरे से, और भाई जो नज़र से देखने का मज़ा अभी जो मुझे दिख रहा है तगड़ा सा कुछ ऐसा कैमरे में दिखने का मेरे भाई, आपको देख लो आप भी एक बारी। ये ले ये भाई, मैं तो पहले आ चुका लेकिन मेरा जो बंदा भी फर्स्ट टाइम है ऐसे पूछता हूँ उसका क्या रिएक्शन है। टाउन भाई फर्स्ट वाले बता दे कुछ अपनी फीलिंग शेयर कर दे यार, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं पे आ गए हो। कहीं पे आ गए हैं भाई, कहीं पे नहीं ताजमहल पे आया। ताजमहल पे तो चलिए दोस्तों भी अंदर से दिखाते हैं आपको। भाई जो दिल खुश हो जाए, आपका भी दिल खुश हो जाएगा और मेरा तो दिल पहले से ही खुश है आपको दिखाने के लिए। तैयार हो जाओ ताजमहल देखने के लिए। देखो मेरे सामने आप गेट देख रहे हैं ना, वहाँ पे देखो ताजमहल आपको दिख रहा, लेकिन जितना भी हम इसके करीब जाएंगे ना वो दूर होते चले जाएगा। चलो आपको मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ अपने कैमरे से। मेरे भाई दिल खुश हो गया सच में। और तो चलिए दोस्तों करीब में जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ से भी बहुत तगड़ा दिख रहा है वैसे लेकिन फिर करीब से दिखाएंगे आपको। दिखाते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है भाई, क्राउड पता नहीं हर वक्त रहता है, आज जब मैं हूँ जब भी वीडियो भाई जितने करीब हो रहे ना हकीकत में फीलिंग जो है ना इतनी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। मैं आया था कम से कम 10 साल पहले आया था मैं, उस वक्त वगैरह ब्लॉग व्लॉग का कोई सीन नहीं था, उम्र भी कम थी तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे भाई अब देख रहा ना जैसे मैंने 10 साल पहले देखा था उससे भी तगड़ी फीलिंग आ रही भाई कसम से। देखने में देखा हुआ था लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा जैसे मैं पहली दफा देख रहा हूँ। आपको भी दिखाता हूँ भाई, बहुत तगड़ी फीलिंग है हकीकत में, मजा आ जाएगा आपका भी। ऊपर जाने वाले अभी यहाँ से ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ और चलते हैं अभी आपको ऊपर लेकर, ऊपर नहीं मतलब ताजमहल में यार, कहीं आप ऊपर समझ ले अपने अपने अंदर की फीलिंग तो बोल दे कैसी फीलिंग आ रही है भाई। इसका दिमाग ना इतना ज्यादा घूमगा ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलना है नहीं बोलना है। और ये है मस्जिद जिस भाई को नहीं पता, लेकिन इसका रीजन क्या है मैं आपको दिखा दूँ अभी बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, आप खुद पढ़ लेना मेरे भाई। ये देख रहे हैं आप भाई, टाइम के हिसाब से है मतलब जो है जुम्मे वाले दिन है सिर्फ नमाज पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे अंदर की तरफ, बाकी जो है और अलग दिनों में नहीं है, तो इसलिए आप अगर आ रहे हो तो नमाज पढ़ने से पहले बाहर ही पढ़ लियो। देखो जबरदस्त, ये देखो सामने से मस्जिद कुछ ऐसी है और ये सामने ताजमहल। चलो भाई यहाँ
तो आखिरकार दोस्तों रील वगैरह शूट करने के बाद अब तुम्हारा भाई फिर दोबारा आ चुका है व्लॉग पे। खैर आपको तो पता चलने का नहीं क्योंकि जो है क्लिप एडजस्ट नहीं करूँगा रील वाली, बाकी जो इंस्टाग्राम का जो यहाँ टाइटल आ रहा है ना उस पर जाके भाई की रील देखो, यहाँ पे तगड़ी तगड़ी रील शूट करी कसम से भाई, सबका सब बंदे को चेहरे पर मुस्कान है दबा के, क्योंकि भाई फुल पब्लिक एक्साइटेड है, एक्साइटेड तो होगी भाई, रोज़ का रोज़ पब्लिक नई नई आ रही है, रोज़ नए चेहरे हैं, नए लाखों की तादाद में आना जाना रहता है भाई, आपको भी पता है, ये तो मोटी मोटी बात है, मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी आप ताजमहल देखो पीछे की तरफ और मस्जिद देखो आगे की तरफ, तो मेरे भाई दोनों का मामला आमने सामने हो रहा, तो भाई दिल खुश हो गया मेरा तो यहाँ से तगड़ा करके। अरे भाई क्या नहर के किनारे पे यार, क्या ज़बरदस्त व्यू के साथ, अरे माइंड ब्लोइंग, ये लो भाई ये लो, बड़ा गजब नज़ारे भाई, लो भाई ये देखिए आप, बेसमेंट है भाई ये बेसमेंट, कृपया यहाँ पैसे न डाले, कुछ लोग ना अंधविश्वासी होते हैं जो कि यहाँ पैसे डालते हैं, तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा भाई यहाँ पैसे डालना अलाउ नहीं है, तो देखो आपके पैसे बचवा रहे हैं, मिलेंगे आपसे इतने इतने अच्छे लोग, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, तो अभी देख लो पीछे तरफ जा रहे हैं हम, ये जमुना और ये पीछे का व्यू ताजमहल का, अभी यहाँ से देखो आप प्रॉपर, यहाँ पे ठीक है यार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत धूप है उधर, देखो भाई पीछे से देखो, आते में पीछे पहली दफ़ा आया था लेकिन मैंने पीछे से नहीं देखा था, इस बार आप पीछे से देख लो यार, ये लो भाई भाई काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है इधर से भी, ओ भाई मैं सो रहा यार बहुत कम जगह होगी लेकिन पीछे की तरफ भी बहुत जगह है, ये देख लो कितनी जगह है, देखो पीछे की तरफ भी, ओहो ये व्यू भाई, ये व्यू ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, देखो उधर बोलते हैं ना काला ताजमहल बनना था, देखो लेकिन भाई इसका प्रॉपर हमें सही से नहीं पता, तो इसलिए आपको कुछ बता भी नहीं सकते हम, ठीक है ना भाई, जालियाँ तो लगी हुई लेकिन जालियों में कुछ दिखा नहीं यार, देख लेते हैं कुछ दिख जाए भाई, अब आ गया दूसरी तरफ, अब इस तरफ से देख लो आप, हाँ भाई सब्सक्राइब कर रहा बंदा, कर दिए बंदे ने, खाली बोला आपको करना है वो भी कर देगा भाई, लेकिन चैनल का नाम नहीं पूछा उसने, लेकिन आपको तो पता आप कर दियो, ठीक है ये भी देख लो भाई, बिना पानी का तालाब जो कि आपको दिखाना ज़रूरी था, आप बोल देते कि तालाब नहीं दिखाया लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है, वो भी दिखाता आपको, ठीक है सब दिखाऊंगा मेरे भाई, बचेगा कुछ नहीं। छः बजे से 8 बजे तक देखेंगे जो ऑरेंज रहेगा, 8 बजे के बाद में शाम को 4 बजे तक देखेंगे जो वाइट, और 4 बजे से बाद में फिर इसे देखेंगे तो मठ मेला मुल्तानी मिट्टी देखेंगे, तो सारे दिन में 3 बार कलर भी चेंज हुआ, सुन लो भाई बनी हुई है 3 बार कलर चेंज करता है भाई, ये आपको सुनाया ना मैंने, ये देखो ये वाकई में सही कह रहे यार, बात तो सही है भाई, कैसी ना पानी नहीं है इसके अंदर, देखो यार पानी वानी में डाल रखा भाई जी, आ चुके हैं हम भी फोटो के पॉइंट पे जहाँ से पब्लिक अक्सर फोटो खिंचवाती है, देखो अभी कितने बंदे यहाँ से फोटो खिंचवा रहे हैं, ये देख रहे भीड़ भाई, ये पॉइंट है यहाँ से जो फोटो की आती है ना, आप मेरे ब्लॉग से देख लो ऐसा कुछ आता है यहाँ से, तो भाई सबकी सब दुनिया फोटो खींचने पर लगी हुई लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी ब्लॉग ही शूट कर रहा, तो अब देख लो आप कितना बड़ा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं रील भी शूट हो रही और जो है ब्लॉग भी शूट हो रहा साथ ही साथ, अभी आप देखो सामने से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, देखो भाई और हमारे बंदे बैठे टेंशन फ्री, इन्हें टेंशन नहीं है, फोटो खींचना खींचो, व्लॉग शूट हो रहा, व्लॉग में सब पूरा काम हो जाएगा, फोटो वोटो खींचने वाला कोई सीन नहीं है, बाकी इसमें पीछे पानी नहीं है, दिखा दूँ आपको एक बारी में सुखा बड़ा बिल्कुल मामला भाई, लोगों का ध्यान ताजमहल पर और मेरा ध्यान यहाँ से, पानी है भी है नहीं इसके अंदर, तो भाई जो है रैंडम सब्सक्राइबर तो है नहीं लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, भाई मुरादाबाद से आओ अपने इलाके के बंदे यार, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं भाई, जो आप वो देख रहे ना कलश ऊपर की तरफ भाई, ये 30 फीट का है, 30 फीट ऊंचाई है उसकी, वो देख रहे ना, अब वो देखो 30 फीट होने के बाद भी कैसा दिख रहा हो, बिल्कुल छोटा सा कलश, तो भाई इस पूरे ताजमहल की हाइट कम से कम ऐसे बैठी 225 फीट, तो बहुत ऊंचा भाई देखने में, तभी तो ऐसा लगता है। तो भाई जो है सब जगह घूमने के बाद भी बहुत ज़्यादा हो गई भाई, जब हम आए थे तब कम थी लेकिन अब और भी ज़्यादा क्राउड हो गया, ये देखो भीड़ चारों तरफ, भीड़ भीड़ देखने को मिलेगी, ये रहा हमें ताजमहल। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से बाय बाय करते हैं, अभी और देख लो यार बाय बाय करने का टाइम आ गया, ताजमहल ये रहा सामने आपने देख लिया, तो चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से, पता नहीं आपको आवाज़ भी कैसी आ रही होगी, नहीं भाई जाने का मन तो है नहीं लेकिन जाना पड़ेगा मजबूरी, ऊपर जाने का रास्ता इधर से भी है लेकिन ऊपर जाने का सीन है कुछ नहीं है, ये भी देख लो आप ये नक्शा पूरा ताजमहल का, अभी आप वीडियो पॉज करके अपना आप देख लियो, मैं आपको दिखा दूंगा, ये देख लो भाई वीडियो पॉज करके अगर आपको देखना हो देख लियो,
तो भाई लोग तो लगे हुए नक्शा देखने पे, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ नक्शा क्यों नहीं। भाई देखो यहाँ तो खाली हो गई लगभग पब्लिक, देखो यहाँ पे पब्लिक कम है, लेकिन भाई अभी आपने अंदर से देखा अंदर तो फुल हो चुकी पब्लिक भाई, ये देखो। तो अभी गेट आ चुका हमारे सामने, अभी निकलते हैं बाहर। तो चलिए दोस्तों बाहर निकलते हैं। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ब्लॉग को करते हैं अभी अभी एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और लाइक वाइक मार दियो ठीक है दोस्तों। बाय बाय।